फ्रेंड गुड इवनिंग, सब कैसे हैं फ्रेंड? मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड। वो खाद मैंने जो भिगोया था आपके साथ शेयर किया था वो रेडी हो गया है। देखिए कल आज 10 दिन हो गए। अभी मैं इस खाद को छान कर पौधों को दे दूंगी। तो फ्रेंड इससे बहुत ही हमारे पौधे में कलियाँ आती है, फल आते हैं, फूल आते हैं, बहुत बड़े बड़े फ्लावर भी आते हैं और हमारे पौधों के लिए ये वरदान है फ्रेंड। मुफ्त का है, इसमें कोई पैसे नहीं लगे हैं। जो सब्जियों के फल के छिलके निकलते हैं हम फेंक देते हैं, वही है, वही मैंने भिगोया है। प्याज के छिलके, लहसुन के है, सब तरह की जो साग होती है उसका भी डंठल इसमें डाला था मैंने। और बीट रूट भी डाला था, इसलिए इसका कलर रेड आ गया है। इसमें पेन फॉस्फोरस जिंक बहुत ही अच्छे से होता है और बहुत ही अच्छा खाद है हमारे पौधों के लिए। बहुत ही अच्छे से हमारे पौधों को जान देता है, बहुत ही फल फूल आते हैं। तो फिर आप भी बनाइए ये खाद, यही देती हूँ सबको पौधे को। इसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था एक साथ 14 फ्लावर थे, कल इसमें 4 थे, 2 मैंने निकाल दिए। यहाँ से देखिए मैंने गमला उस तरफ किया तो ये पंखड़िया निकल गई, अभी कलियाँ भी बन रही है। देखिए इतनी छोटी टेनी है, इसमें 5-6 कलियाँ बनी है फ्रेंड। तो ये हमारे पौधों के लिए जान है हमारे पौधों की। तो मैं अभी सबको थोड़ा थोड़ा दे दूंगी, पर थोड़ा ही देना है फ्रेंड, नीचे से भेजा इतना मत दीजिए कभी भी, क्योंकि ये खाद हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, कीमती है, सोने से भी ज़्यादा कीमती है फ्रेंड। क्योंकि हमारे खाद की ये जान है, खाद की खुराक, हमारे पौधे की खुराक है, हमारे पौधे की जान है। तो उसे भेजा ऐसे मत लीजिए। देखिए इसमें भी कली बनी है, इसे बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है, सब तरह का न्यूट्रिशन मिलता है फ्रेंड। जो हम खाते हैं हमें मिलता है, इसे छान लूँगी, ये बड़ा भर बकेट इसमें छान के सब पौधे में थोड़ा थोड़ा दे दूँगी, ज़्यादा नहीं। ये सब कोई भी खाद आप डालें फ्रेंड, लिक्विड खाद, तो थोड़े थोड़े ही दें। अभी जो सर्दियों में हमारे पौधों के लिए ये बहुत ही अमृत जैसा काम करता है फ्रेंड, और बहुत सारे न्यूट्रिशन इसमें मिल जाते हैं। इसमें आप नीमखली भी डाल दीजिए, साफ पाउडर डाल दीजिए और आपके पौधे में कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो नुकसान नहीं होगा, बाकी पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। अभी हमारे यहाँ थोड़ा ठंडा हो रहा है फ्रेंड, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आपके वहाँ इतनी तो नहीं है पर ठंडी हवा चल रही है। तो अभी ये खाद बहुत ही अच्छा रहता है, ना गर्म है ना ठंडा है, नॉर्मल है। अभी क्योंकि सर्दी का सीज़न है फ्रेंड, तो हमें गर्म खाद देना चाहिए पौधे को, अच्छा रहता है। पर इसमें फ्रेंड ये खाद ना गर्म है ज़्यादा ना ठंडा है, तो पौधों के लिए जान है पौधों की। तो फ्रेंड देखिए मैंने ये छान लिया है, देखिए ये बकेट में, इसमें सब मैं भिगोती हूँ। जब भी खाद बनाती हूँ कोई तो इसी में डाल देती हूँ। फूलों के पंखुड़ियों का जो मैं खाद बनाती हूँ लिक्विड खाद, प्याज के छिलकों का बनाती हूँ, ये भी मैंने वेस्ट बनाया है, तो अभी ये गला नहीं है। तो फ्रेंड मैं ये छान कर फिर इसी में फिर से मैं पानी डाल दूँगी, 1 वीक और रखूँगी तो और ज़्यादा खाद हो जाएगा। तो मैं फिर यही खाद बनाती रही हूँ, पौधों को देती रही हूँ। देखिए ये मेरे एक बकेट हो गया, सब पौधों में थोड़ा थोड़ा दे दूँगी। ये मग है ना, मैं एक भरूँगी ना तो 2 गमले में दूँगी, क्योंकि आधा लीटर पानी है, ये आधा लीटर हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं दूँगी। और फिर 1 वीक के बाद इसका कमाल देखिए आप, बहुत ही अच्छी खाद बनती है। और इस खाद से फ्रेंड हमारा बगिया फूलों से भरी रहेगी, फूलों से, फलों से, सब्जियों से, बहुत ही अच्छी खाद है ये। देखिए मैं ये इसमें गुलाब में दे रही हूँ, बड़ा गमला है तो मैंने इतना दिया है,
सब में मैं इतना इतना दूंगी फ्रेंड, बहुत ही अच्छी खाद है। ये न्यूट्रिशन से भरा हुआ है फ्रेंड पानी, और जब जितना भी आप पतला बनाएंगे इतना आपके पौधों को फायदा होगा। पानी ज़्यादा डाल दीजिए फ्रेंड, तो हमारे पौधे अभी क्योंकि ये ठंड है तो हमारे पौधे अच्छे से ये सोख कर लेगा। सब में मुझे डालना है, सब पौधे में, गुलाब में या इसी में, इसमें नहीं, सब पौधे में मैं डालूँगी इंडोर प्लांट को छोड़ के। देखिए ये मेरा कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है, बहुत ही अच्छा आलमंडा है मेरा येलो कलर का बुसी, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये खाद तो हमारे पौधों के लिए वरदान है। देखिए फ्लावर कितना कलर अच्छा है। अभी मैं इसमें डाल दूंगी, सब में पानी दे दूंगी, ये खाद बनाया है वो। और पानी फ्रेंड ज़्यादा डाल कर दीजिए, पतला बनाए तो अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड मैं यही काम कर रही हूँ, छान कर सबको दे दूँ, एक एक बकेट भर के मैं सब में थोड़ा थोड़ा दे दूँगी। और एक वीक के बाद मैं आपसे फिर शेयर करूँगी कितने मेरे गार्डन में फ़ायदा हुआ है, कितना मेरे जब पौधों में कितना फल आया है, कितने मेरे फलदार पौधे भी है फ्रेंड, दो तीन फ्लावर भी है। सब्जियां मैं नहीं लगाती, पहले बहुत लगाती थी, अब नहीं सब्जियां लगाती मैं। तो फ्रेंड बस मैं यही आपके साथ शेयर करने वाली थी कि 10 दिन के बाद मेरा खाद तैयार हो गया है, तो बहुत ही अच्छी खाद बन गई है। सोने से कीमती, सोने से भी कीमती खाद है हमारे पौधों के लिए, हमारे पौधों की जान है ये फ्रेंड। इतना अच्छा इससे खनिज तत्व मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलता है हमारे पौधे को, कि जो हम बाहर से खाद लेते हैं ना उसका भी कुछ ना आए, इतना अच्छी ग्रोथ करते हैं इससे, बहुत अच्छी ग्रोथ। तो फ्रेंड आप भी बनाइए। तो बाय फ्रेंड, मैं सबको पानी ये मेरा दे दूँ सबको अच्छे से। इसमें इस खाद से फ्रेंड आपके पौधे में जो कलियाँ नहीं बनती हैं या फ्लावर छोटे बनते हैं, छोटे आते हैं या फूल नहीं आते, तो इससे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा, बहुत ही अच्छी कलियाँ आएगी, बहुत ही बड़े बड़े फ्लावर बनेंगे, कलियाँ भी अच्छी बनेगी। मेरे सब पौधे में फ्रेंड बहुत ही अच्छी कलियाँ बनी है, मेरा पूरा गार्डन ऐसे भरा है। तो मैं यही करती हूँ फ्रेंड, सब मेरे पौधों को ये मुफ्त का खाद ही मैं देती हूँ, 15 दिन एक बार दे देती हूँ मैं, इसलिए मेरे पास इस बार एक कट्टा ज़्यादा हो गया था, 15 दिन में एक बार दे देती हूँ। तो आपको बाहर से खाद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड, ये खाद बनाएंगे ना तो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस सीज़न में या मैं तो गर्मी हो या सर्दी हो दोनों सीज़न में यही देती हूँ। हाँ मैं बारिश के सीज़न में नहीं बनाती हूँ खाद, तब किचन वेस्ट का खाद मैं इकट्ठा करके बनाती हूँ, लिक्विड खाद नहीं बनाती हूँ कि तो, क्योंकि तब तो हम पानी जितना भी देंगे पौधों में तो बारिश आती है तो बह जाएगा और कुछ काम का नहीं है, तब तो हमारे पौधे के लिए कोई खाद की ज़रूरत ही नहीं होती, बारिश का पानी अच्छा रहता है। इसलिए मैं गर्मियों में और सर्दियों में दोनों सीजन में बनाती हूँ ये खाद। तो बाय फ्रेंड, मेरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय, मिलते हैं नए वीडियो पर फ्रेंड, बाय।